विरिंची दास जो ट्रेनर का रोल है वो वैसा रोल जल्दी लिखा नहीं जाता। ये एक वास्तविक घटना है और ये आदमी जो है इस दुनिया में था 9 साल पहले तक 8 साल पहले तक जिंदा था, फिर उसे गोली मार दी गई थी। वो शख्स एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते थे। कोई कहता था हीरो है, कोई कहता था कि बहुत ही धोखेबाज किस्म का आदमी, कोई कहता था कि संत आदमी है, कोई कहता था कि पब्लिसिटी हंग्री आदमी है, और कोई कहता था कि बच्चे का बच्चे के ऊपर ये बहुत ज़्यादा उपकार कर रहा है, कोई कहता था बच्चे को एक्सप्लोइट कर रहा है। तो इतने अलग अलग टाइप की राय एक व्यक्ति के बारे में मैंने कभी सुने नहीं थे। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया किरदार कोई हो ही नहीं सकता है, और इससे बढ़िया एक तरीका नहीं हो सकता है किसी आदमी को जानने का, बाय डूइंग द रोल। ओके, कितनी रिसर्च करी आपने? जब मैं विरंची की बात करता हूँ जी, देखिए रिसर्च तो अपनी होती है, रिसर्च तो अवेलेबल रहती है। रिसर्च बड़ा पर्सनल काम होता है, और वो इंटरनेट से हो सकता है, इंटरव्यूज़ देख करके हो सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज देख करके हो सकता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम था उसके मेंटल स्टेट को पकड़ना, उसके अंदर घुस करके उसके जहन को पकड़ना, उसके आत्मा को पकड़ना, उसके स्पिरिचुअलिज्म को पकड़ना, ये सबसे डिफिकल्ट काम था। देखिए रियल स्पेस में अपना इनपुट्स डालने का इसमें ज़्यादा मौका रहता नहीं है। जो विरंची दास थे उनके सारे एलिमेंट्स को इसमें डालने की बात होती है। 90% विरंची दास का है जो रियल में थे, 10% सिर्फ मेरा है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इस आदमी को सबने देखा है टीवी पे, इस आदमी को बात करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, बोलते हुए सबने देखा है। और तो उस रियल विरंची को सामने लेकर के आने की जिम्मेदारी थी मेरी, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे, लोगों को धोखे में नहीं रख सकते थे। दर्शक को वास्तविक विरंची चाहिए था, वास्तविक विरंची को सामने लेके आने की जिम्मेदारी थी। अब तक आपने जितने भी किरदार किए, थोड़े से वक्त के लिए भी अगर आप स्क्रीन पे तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, किस बिना पे मनोज सर आप किरदारों का चयन करते हैं? जब मेकर्स आपके लिए पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, और जब भी आप हैं स्क्रीन पे आप मौजूदगी दर्ज कराते हैं, चाहे वो कैंसर वसीपुर हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो राजनीति हो, माइट बी एम रिपीटिंग माई सेल्फ, राजनीति का वो करारा जवाब मिलेगा, इतना उसको हाइप मिला था, ट्रेलर में यूज़ करा जा रहा था क्योंकि वो उतनी एनर्जी ला रहा था। जी जी, देखिए जब आदमी कुछ बोलता है, कुछ करता है, हर चीज़ जो है लिखी तो रहती है, और हर एक्टर अपने अपने ढंग से बोलता है। लेकिन चूंकि मैं कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, उसके अंदर तक घुस करके काम करता हूँ, उसके हर उसके जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स, उसकी ब्रीदिंग, उसकी वॉकिंग, उसका स्लीपिंग, उसकी सिटिंग, हर चीज़ जो है ना बड़ा डिटेल मैं काम करता हूँ। तो शायद ये एक वजह रही है कि मेरे कैरेक्टर्स जो है काफ़ी पॉपुलर होते रहे हैं। और विरंची दास से मुझे संभावना है, मुझे आशाएं हैं कि विरंची दास जो कैरेक्टर है ये लोगों को कन्फ्यूजन में डालेगा कि वास्तविक ये है कौन, ये जो इतना अच्छा एक समय पे है, एक सीन में है, दूसरे सीन में उतना ही बुरा है, तो समझ ही नहीं आता है कि विरंची दास के बारे में कहा क्या जाए। लेकिन फिल्म अंत होते होते आपको पता चलेगा कि इसके जैसा इंस्पायरिंग आदमी नहीं है, इसके हर बच्चे को एक विरंची दास जैसा कोच मिलना चाहिए, ये आपको एहसास होगा। थैंक यू बस दो ही सर, दो ही सर बोला मैं मनोज सर, आर डी बर्मन के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर डी बर्मन जी का संगीत ने न सिर्फ अपने समय के जनरेशन पे बल्कि उसके बाद आने वाले सारे जनरेशन पे उन्होंने एक छाप छोड़ी है, और जो जनरेशन अभी आ रही है वो भी आर डी बर्मन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह रही है। इसका मतलब कि आर डी बर्मन सिर्फ अपने समय के नहीं थे, आगे आने वाले 200-300 साल के थे, और ऐसा रेयर टैलेंट, ऐसा जीनियस बहुत ही कम पैदा होते हैं इस विश्व में। ओके, देयर टॉक्स इन द इंडस्ट्री, बायोपिक बनाने की बात चल रही है आरडी जी के ऊपर, आपको क्या लगता है किस एक्टर को आरडी जी के ऊपर बायोपिक का लिए मेन लीड करना चाहिए? देखिए जो उनके जैसा लगता हो, जो उनके जैसा दिखता हो, जो उनके जैसा स्वभाव करता हो, जिसके अंदर में संगीत की उतनी गहरी समझ हो, वही कर सकता है। और जो उतना जुनूनी हो, जो उतना पागलपन की हद तक म्यूज़िक को प्यार करता हो, वही समझ सकता है आर डी बर्मन के जुनून को, उनके पैशन को। यीशु पर एक फिल्म बनानी चाहिए। मुझे बचपन से ही चाइल्ड प्रोडिजीज का फैसिनेशन रहा है, एंड बीट लॉर्ड कृष्णा या अभिमन्यु से
या मुझे हमेशा फैसिनेशन रहा कि क्या होता होगा इतने छोटे उम्र में वो इतना कमाल का काम कर लेते हैं। एंड 2005 में एक न्यूज़ आर्टिकल निकली थी बीबीसी में, समवेयर ए स्मॉल किड इन इंडिया रन्स ए मैराथन अ डे। तो इतनी एपिक टेल थी, इतना छोटा बच्चा, स्लम का बच्चा, और इतना कमाल का, इतना हम्बल बैकग्राउंड के होने के वजह से भी कमाल का काम कर गया। एंड तो आई थिंक इट बिगेन विद अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ फैसिनेशन, और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि इतना स्लम का बच्चा भी अगर इतना कुछ कर सकता है करेक्ट गाइडेंस से, तो इसकी स्टोरी ज़रूर बननी चाहिए। ओके, इतनी जितनी आसानी से आपने कह दिया, उतनी आसानी से सब कुछ होता नहीं है इंडस्ट्री में। आप कोई स्टोरी सोचते हैं, आप फिर यू नो कास्टिंग का भी सोचते हैं। जी जी, हाउ दिस होल थिंग हैपेंड? स्क्रिप्टिंग स्टेज 2009 से चालू हो गया था। 2012-13 को हमने मनोज वाजपेयी को अप्रोच किया था, और वो स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे, तो उनको नरेशन नहीं चाहिए था, तो हमने स्क्रिप्ट भेजी उनको। एंड स्क्रिप्ट पढ़ा उनने और ओवर द फ़ोन हाँ कर दिया था, तो उनको स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी। एंड अभी मनोज वाजपेयी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडियन सिनेमा, एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उतना ही अच्छा बच्चा चाहिए था जो उनको कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो उसका ऑडिशन प्रोसेस बिगिन हुआ और पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जहाँ 1200 से ज़्यादा बच्चों को हमने ऑडिशंस करवाया। एंड बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, पुणे, धारावी स्लम, सबसे छान मारा। फाइनली पुणे में से एक स्लम का बच्चा मयूर, वो क्वालिफाई हुआ, और बहुत ही क्लोज सिमिलर दिखता है वो बच्चा, एंड उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, तो ये पहली फिल्म है उसकी, और हमने ट्राई किया उसका कम्फर्ट, डिसकम्फर्ट, इनोसेंस को कैप्चर करने के लिए। मैंने लिखते वक्त तो कोई एक्टर के बारे में सोचा नहीं था, बट पहला एक्टर जिसको हमने अप्रोच किया था मनोज वाजपेयी थे, एंड लकीली उनको फिल्म स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, और उन्होंने ये स्टोरी बहुत पढ़ा हुआ था और उनको पता था बहुत चीज़ों के बारे में, फिल्म के बारे में। एंड तो हमारे लिए उतना ही आसान हो गया, क्योंकि कैरेक्टर बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग है और वही उसकी ब्यूटी है। तो उनको स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत पसंद आया था, उन्हें प्री प्रोडक्शन में बहुत टाइम दिया, तो ग्रेटफुली बहुत सेटिस्फाइंग रहा है हमारे लिए। ओके, वायर कॉमेडी जैसा यू नो आ जाता है बैकअप के लिए, वो कितनी पॉजिटिव बात रहती है? बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि कोडेड फिल्म्स ने इसको इनिशियली सपोर्ट किया था मुझे, एंड देन जब वायकॉम आ जाती है एक बड़ी कॉर्पोरेट, तो आई थिंक वो स्टोरी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि कोने कोने तक पहुंच जाती है और बज रहता है, तो स्टोरी वेस्ट नहीं जाती, आई थिंक वो लार्जर ऑडियंस को पहुंच जाती है। भाग विलखा और मैरी कॉम जैसे फिल्मों को उन्होंने बहुत डीपर तक पहुंचाया, तो वायकॉम के आने से बहुत बड़ा हो जाता है फिल्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीच बढ़ जाती है उसकी। बच्चा, आई थिंक बच्चा 6 साल का था जो हमने कास्टिंग करवाई, और हमें बहुत वंडरफुल लगा, क्योंकि उसका कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था, एक ही मयूर था, बहुत सिमिलर था, और उसे कुछ भी हो जाता तो हमें पूरी फिल्म की शूट रोकनी पड़ती, तो और कॉम्प्लेक्स भी था इमोशन, कभी कैमरा फेस नहीं किया था, और बहुत क्राउड था फिल्म में, थ्रू आउट द फिल्म देयर इज लॉट ऑफ क्राउड, तो इतना छोटा बच्चा कर पाएगा कि नहीं, वो हमेशा हमें वंडरफुल फील था, बट थैंकफुली मयूर ने कोई भी तकलीफ नहीं दिया, एंड ही हैज़ रिस्पॉन्डेड ब्यूटिफुली टू द स्क्रिप्ट एंड होल थिंग प्रोसेस। क्या फिल्म का नाम पहले कुछ और था, उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी जी, फिल्म का नाम डोरोंटो था पहले, तो हमें लगा कि डोरोंटो का संस्कृत मीनिंग रेस्टलेस है, तो फिल्म में एक रेस्टलेसनेस है, तो हम वो कैप्चर करना चाहते थे, जो हमने कैप्चर किया, बट वही डोरोंटो को नेशनल अवार्ड मिली थी बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कैटेगरी में, बट वाईकॉम को क्रिएटिव टीम को लगा कि बुधिया सिंह बॉर्न टू रन मच मोर रीचेबल टाइटल है, उन्हें एक रिसर्च करवाया जिससे बहुत 5-6 नेम्स उन्होंने सजेस्ट किया ऑडियंस को, और बुधिया सिंह का नाम सबसे ज़्यादा उस टिक में आया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट टाइटल टू प्ले अराउंड, एंड कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आप बोल देते हैं बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, बहुत क्लियर, एक एक छोटे बच्चे की कहानी है, एक चाइल्ड प्रोडजी है, तो उतना आसान हो जाता है ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। ओके, जैसे आपने नेशनल अवार्ड मेंशन था, तो मनोज वाजपेयी कितना सरप्राइज करेंगे ऑडियंस को जानना चाहूँगा? ये आई थिंक कोई भी मेन स्ट्रीम एक्टर ने जूडो का रोल नहीं किया, ये पहली उनकी स्पोर्ट्स फिल्म है, और बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग है, लव हेट रिलेशनशिप का रहेगा, क्योंकि कोच बहुत ही फियरलेस है, जैसे मनोज वाजपेयी अपने एक्चुअल लाइफ में है, इनफैक्ट उनका स्पेशल मेंशन भी था डोरोंटो फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए, बट आई थिंक फ्यूचर में आई थिंक जितने भी अवार्ड्स होंगे, आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू गेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन दोस अवार्ड्स। अच्छा, होपफुली फिल्म फेयर एंड अदर जो रिकग्नाइज अवार्ड सेरेमनी है, आई एम श्योर ही विल गेट रिकग्नाइज इन दोस अवार्ड सेरेमनीज। ओके, अब तक का रिस्पॉन्स कैसा है, जहाँ तक टीजर आउट है, ट्रेलर आउट है, वो क्या
क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और कितना सेटिस्फाइड है? अब क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइंग है क्योंकि टीजर से बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में और बच्चा को भी लोग देखना चाहते हैं एंड ये क्योंकि यू कैटेगरी है तो फैमिली खुद अपने बच्चों को लेके आके देख सकती है। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग क्योंकि इतना छोटा बच्चा यकीन नहीं होता कि वो इतना कुछ बड़ा काम कर जाएगा और उसके ऊपर फिल्म बन रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैराथन के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी है, चाइल्ड प्रोडजीज के ऊपर फिल्म नहीं बनी है, तो ये बहुत न्यूनेस है फिल्म में। एंड ट्रेलर से तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करता है और दे आर लाइकिंग द ट्रेलर। और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, टिपिकल चाइल्ड कोच की रिलेशनशिप नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। ओके, जिस तरह से तारे जमीन पे स्टैंडिंग डब्बा एक अलग तरह की फिल्म थी, एक पैगाम के साथ थी, एक मैसेज के साथ थी, क्या आपको लगता है आमिर खान अंडरस्टैंड सिनेमा सो वेरी वेल? और एक स्क्रीनिंग कर लीजिए आमिर का रिएक्शन जानने के लिए, खास करके आपके। आई थिंक होपफुली जो मार्केटिंग टीम है वो ट्राई करेगी रीच आउट के लिए क्योंकि मनोज बाजपेयी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं एंड ट्रेलर और टीजर से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। होपफुली वील ट्राई एंड गेट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर एक्टर्स ऑल्सो। जिस तरह का सिनेमा तारे जमीन पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे आगे नजर आते हैं, जिस तरह की फिल्म थी उसके ऊपर से तारीफ करते हैं, मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझको बीइंग एन इंडिविजुअल नॉट एन डायरेक्टर की डायरेक्टर अच्छा ओके ओके। आई थिंक तारे ज़मीन पर बच्चों के लिए थी, आई थिंक ही वॉज द बेस्ट पर्सन हु कुड सपोर्ट द प्रोजेक्ट। उसी तरह एज ए इंडिविजुअल आई थिंक अगर वो फिल्म देखें आई थिंक इट विल रीच आउट टू अ मच वाइडर ऑडियंस एंड ये हेल्प भी करेगी आई गेस। एंड विद मनोज बाजपेयी आई एम श्योर ही विल बी डिलाइटेड टू सी द लॉट ऑफ शेड्स इन द कैरेक्टर। बहुत ट्रूथफुली हमने बनाया है। अच्छा आमिर खान, ओके ओके। अदरवाइज क्योंकि मैं आई एम ऑन आई एम नॉट देयर द फिल्म, मेरा वॉइस नहीं आएगा ना, आप पे जाएंगे। ओके ओके, रोल करें बोलिए। आई वुड लव इफ आमिर खान एंड द आमिर खान वुड सी द फिल्म, आई एम श्योर ही विल लव एंड लाइक द फिल्म अ लॉट।